नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों मेरे पास एक कमेंट था, टाटा पावर के लेवल्स पे प्लीज बात कीजिए एंड टाटा पावर में क्या करें इसके बारे में बताइए। देखिए मैं ना एक चीज बताना चाहूंगा आप सभी को, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो टाटा ग्रुप के सारे स्टॉक्स रिकवरी दे रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए मैंने लगभग 3 से 4 हफ्ते पहले एक वीडियो शेयर करी थी टाटा इन्वेस्टमेंट के स्टॉक के ऊपर। टाटा इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर किसी को नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा। टाटा इन्वेस्टमेंट एक ऐसा स्टॉक है जहां पे आप अगर निवेश करते हैं तो डायरेक्टली आप टाटा ग्रुप की सारी कंपनीज में निवेश कर देते हैं। एक तरीके से वो टाटा ग्रुप का ETF है, ठीक है। चाहे आपको टाटा केमिकल खरीदना हो, TCS लेना हो, टाटा स्टील लेना हो, कोई भी टाटा ग्रुप का स्टॉक लेना हो, तो आप सब में निवेश करोगे तो आपको मोर देन 10,000 रुपीज का नीड पड़ेगी। तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, एक टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर खरीद लो, सारे टाटा ग्रुप के शेयर आ गए। और वो स्टॉक उस समय 1700 रुपए के करीब था, उसका हाई 2900 का था, वो वहां से ऑलमोस्ट आपके लिए 30% के समथिंग करेक्शन में मिल रहा था। तो मेरा सिंपल सा व्यू था कि अब करेक्शन कंप्लीट हो गया, यहां से ऊपर आना चाहिए। वो टाटा इन्वेस्टमेंट का स्टॉक 2200 पे आ गया, 500 रुपए ऊपर है वहां से। दैट मींस वो तभी बढ़ा है जब बाकी टाटा ग्रुप के शेयर बढ़े। तो अगर आप नोटिस करें तो कौन कौन से स्टॉक्स में मूव आया है, जहां पे मुझे पकड़ में आ रहा है अभी एक स्टॉक, वो है टाटा LXI। अगर टाटा LXI की बात करें तो इस स्टॉक में बड़ा मूव आया है और ये लगभग 6200 से 6600 पे आ गया। और ये स्टॉक भी मैंने आपके साथ पिक करा था एग्जैक्टली 6200 पे। अभी टाटा पावर की बात की जाए या टाटा स्टील की बात की जाए या टाटा LXI या फिर आप टाटा ग्रुप के स्टॉक्स को, टाटा मोटर्स देखिए, वहां से एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आया टाटा इन्वेस्टमेंट में, वो 400 वाला 500 हो गया, ठीक है। तो टाटा ग्रुप के स्टॉक क्या कर रहे हैं, बाउंस करना स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहले तो मैं टाटा पावर के बारे में अगर पर्टिकुलरली बात करूं तो मुझे लगता है यहां आपके पास खोने के लिए कुछ है नहीं इन्वेस्टमेंट पर्पस से। 80 रुपए की बुक वैल्यू है, कंपनी का शेयर 200 रुपए पे है, कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है, पावर की डिमांड पीक पे आएगी ऐसी उम्मीद लगा रहे हैं। बट नॉर्थ साइड में तो अभी भी यहां मेरे घर के बाहर बारिश हो रही है तो मुझे ऐसा अभी गर्मी महसूस नहीं हो रही। अभी पहले भी 3-4 दिन लगातार कंटिन्यू बारिश हुई, बेमौसम बरसात थी एंड इधर अभी फिर से नॉर्थ साइड में बारिश हो रही है दिल्ली साइड में। तो मुझे लगता है यहाँ इतना कुछ अभी खास गर्मी नहीं दिख रही है, लेकिन सरकार ने कहा है, IMD ने कहा है, लेट्स सी क्या होता है। तो इन स्टॉक्स में रडार पे तो डेफिनेटली रखना है। टेक्निकल बेसिस पे बहुत ही प्यारा चार्ट पैटर्न फॉर्म हुआ है, एक लो बनाया स्टॉक ने 183 के समथिंग का, जहां 52-week लो हिट करा, शार्प रिकवरी आई अराउंड 197-195, लेकिन गिरा था 205 थे और रिकवरी 195-197 की आई। तो सस्टेन करता है और फ्लैग पैटर्न बनाता है, यानी कि फ्लैग पैटर्न क्या था, यूं ऊपर आया, ये हो गया साइडवेज, और ये बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न होता है, यहाँ पे तेजी आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब फ्लैग पैटर्न में ऐसा कहा जाता है जो टॉप कैंडल है आपकी वो दोबारा जब फ्लैग पैटर्न से ऊपर जाए और वो ब्रेक हो तो खरीद लो। अब इस स्टॉक ने क्या करा है, वो ब्रेक कर दिया है, इसका टॉप 198 के समथिंग का था, 201.40 पे क्लोजिंग आई, सिर्फ ब्रेक नहीं करा है क्लोजिंग भी दी है। अब पहला लेवल तो वही है जहां से वन साइड गिरा था 205 रुपए, वहां तो मुझे लगता है डायरेक्ट जाने वाला है और उसके बाद थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आएगा और उसके बाद वहां से सीधे आपके लिए 210 तक के लेवल्स आ जाएंगे। और इस स्टॉक में जैसा कि मैंने कहा लॉन्ग टर्म पर्पस से तो कुछ ज्यादा दिक्कत है नहीं। अब बात करें कि क्या करें ट्रेडर्स के लिए, तो देखिए लेवल्स की बात हो रही है 2-2, 4-4 रुपए की, तो ऑब्वियसली वाले ट्रेडर्स की बात है। तो यहां 198 के स्टॉप लॉस से आप खरीद के चलो, 198 के पहला टारगेट 205 का और दूसरा अगर 205 निकलता है तो 210 का, 205 पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करके अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना है, अपनी बाइंग प्राइस पे ले आना है, सिंपल एज दैट। यानी कि आधा पैसा तो आपका बन गया और वापस रिवर्सल भी आ जाए, घूम जाए, रेजिस्टेंस फेस करे तो आपको लॉस नहीं होना चाहिए। इनकेस अगर निकलता है तो आधी पोजीशन जो बची हुई है उसमें आपका 208 से लेकर 10 का टारगेट होगा। तो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग व्यू से इस स्टॉक में पोजीशन को मेंटेन करना चाहिए मेरे हिसाब से। थोड़ा पोजिशनल देखना चाहते हैं तो 193 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें 220 के टारगेट के लिए, 200-198 के आसपास खरीदना चाहिए इस स्टॉक को। इस स्टॉक के कॉल ऑप्शन के द्वारा भी हम परचेजिंग करके चलेंगे बट अभी कॉल्स के प्रीमियम काफी हाई है तो मुझे लगता है थोड़ा वेट कर लेना चाहिए एंड उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। 18 के पी पे स्टॉक ट्रेड करता है, 64,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 11 का है, डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ऑलमोस्ट 0.87 की है, 52 वीक लो की बात करें तो 182 का है, 52 वीक हाई 254 का है और ऑलमोस्ट 300 तक के हाई लगाए इस स्टॉक ने। ये स्टॉक बड़े लंबे समय से कंसोलिडेशन और साइडवेज टू नेगेटिव हो गया है। स्टॉक में लगभग 2021 में तेजी बनी थी जहां पे ये स्टॉक 60-70 रुपए से आपके लिए सीधे भाग के
लगभग 300 रुपए तक हुआ, उसके बाद कंटिन्यू लोअर लोज ही लगा रहा है बड़े चार्ट्स पे अगर देखे तो। बट इस स्टॉक में मुझे लगता है इन लेवल्स पे आपको ज्यादा कुछ खोने के लिए नहीं है, लेकिन अगर ये लोअर लोज कंटिन्यू होते हैं तो फिर बड़ी गिरावट भी आ सकती है, इसलिए आप स्टॉप लॉस से रखें। और बड़ी गिरावट का जो लेवल है वो बहुत नीचे का है, उसके बारे में भी बात नहीं करूंगा, बात करेंगे बाद में। बट अभी क्या करना है, स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन फ्रेश ले सकते हैं लॉन्ग साइड पे। तो ये मेरी तरफ से टाटा पावर पे मेरा व्यू बन रहा है जो मैंने आपके साथ शेयर करा। होप आपको वीडियो समझ में पसंद दोनों आई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।